कठुआ शहर के वार्ड नंबर 7 में शराब की दुकान खोले जाने को लेकर कठुआ के सामाजिक संगठनों ने शराब की दुकान खोलने के विरोध में प्रदर्शन किया। जिस जगह शराब की दुकान है वहां पर श्री गुरुद्वारा सिंह साहब और आर्य समाज मंदिर, प्राइवेट स्कूल और महात्मा गांधी हॉस्पिटल बिल्कुल करीब है, जिसे उनकी आस्था को गहरी चोट लगी है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में अगर शराब की दुकान बंद नहीं की गई तो जमकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। 2 साल पहले जहाँ से हमें वो विदाई उसको दे दी गई थी और फिर उसको शहर के अंदर खोला जा रहा है, तो आर्य समाज मंदिर के पास शराब का ठेका जो पिछले 1.5 साल से बंद था, 2 साल से बंद थे जहाँ पर ठेके, जो शहर के अंदर जितने भी ठेके थे, लेकिन आज फिर ये जहाँ पर खोले जा रहे हैं, कैसे खोले जा रहे हैं ये हमें पता नहीं। मुझे 16 तारीख को ये ठेका खुला और 17 को पता चला कि आर्य समाज मंदिर के पास, सिंह सभा गुरुद्वारा के पास, DAV स्कूल के पास, वो साथ में एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हॉस्पिटल के पास, जिसको वो राष्ट्रपिता मानते हैं, और पास में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय, कृष्ण मंदिर, विजय मार्केट के पास मंदिर, मोनलाइट सिल्वा के सामने एक मंदिर, और बीच में शराब का ठेका खोल दिया गवर्नमेंट ने। ये कोई ठीक बात नहीं है। ये ठेका जो है शराब का, ये बंद था और इसको बंद ही रहना चाहिए, ये खुलेगा नहीं। जितने भी शहर के आज जो हम बैठे हुए हैं, ये एक टेलर है छोटा सा, शहर के एडमिनिस्ट्रेशन को बताने का, दिखाने का कि ये इन मंदिरों के पास 100 मीटर के मंदिर के जो मंदिर होते हैं 100 मीटर के अंदर कोई शराब का ठेका नहीं होना चाहिए। ये गवर्नमेंट का एक कानून है और उस कानून की उल्लंघना यही ठेके वाले, शराब वाले या गवर्नमेंट की, कैसे इनको परमिशन मिल गई, कैसे इनको NOC मिल गई, ये जो शराब का ठेका जो जहाँ खोला गया, ये ठेके को हम बंद करवाएंगे, ये इसको ये खोल नहीं सकते, ना ही ठेके को हम जहाँ चलने देंगे। ये गवर्नमेंट को हम एक चेतावनी देना चाहते हैं कि इसको 1-2 दिन के अंदर ठेके को बंद कर दिया जाए, नहीं तो शहर में जितने भी धार्मिक संस्थाएं हैं, यहाँ की माताएं बहनें हैं, ये सबको शहर पूरा खड़ा हो जाएगा। इस संदर्भ में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। मुझे इस बात की खुशी है कि कठुआ का एक अपना कल्चर है, भी जब जब भी किसी चीज़ की बुराई पैदा हुई, हर फिरके ने, हर धर्म के लोगों ने इकट्ठा होके इसके लिए लड़ाई लड़ी। आज उसी का उदाहरण के तौर पे, जैसे जनक भारती जी ने बड़े डिटेल में बता दिया कि, विष्णु भारती जी ने बड़े डिटेल में बता दिया कि हमारे इर्द गिर्द कितनी धार्मिक संस्थाएं हैं, स्कूल हैं, पर एडमिनिस्ट्रेशन और कुछ लोग जो बेनिफिशियल लोग हैं वो चाहते हैं कि हम इनके बीच में इस ठेके को खोला जाए ताकि अनार्की पैदा हो। अगर कुछ ज़माने में जहाँ ये ठेका चल रहा था तो वहाँ उस समय बहुत कम पॉपुलेशन थी, अगर 2 साल से वो बंद है बुराई, तो पिछला उदाहरण दे के कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन इसको खोलेगी तो हम कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन को साफ लफ्जों में ये कह देंगे कि हम ये बुराई को चलने नहीं देंगे। हमारे बहू बेटियाँ, हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े बुजुर्ग मंदिर में, गुरुद्वारा में, हॉस्पिटल में आते हैं, पर जहाँ शराब बिकती होगी तो वहाँ कैसे अपने आप को वो सेफ करेंगे। कल कुछ लोग हमारे साथी एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको आप मत लाइटली लिए, इसको पूरे इंटरेस्ट से इसको स्टडी करके इसको बंद करिए, नहीं तो हम इसको खुद बंद कर देंगे। चाहे इसके लिए जितना भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आए, आज कठुआ सारा जाग चुका है, इसलिए हम फिर बेनती करते हैं कठुआ के लोगों को भी, आओ यूनाइट होके इस बुराई को ख़त्म करने के लिए सारे, जब जब भी हम कॉल करें, इस कॉल के नीचे आप आके इस पे अपने अपना योगदान डालें ताकि इस बुराई को हम ख़त्म कर सकें। जय हिंद, जय। ब्यूरो रिपोर्ट, JLK मीडिया, जम्मू।
For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.